नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूंगा स्विफ्ट कोड के बारे में। दोस्तों आपने देखा होगा कि जब भी दोस्तों हमें कहीं इंटरनेशनल पेमेंट मांगना होता है अपने अकाउंट में, तो दोस्तों हमें जरूरत पड़ती है स्विफ्ट कोड की। चाहे दोस्तों आप यूट्यूब पेमेंट मंगाओ या दोस्तों आप किसी भी वेबसाइट का पेमेंट मंगाओ बाहर से, दोस्तों आपको अपने अकाउंट में पेमेंट मंगाने के लिए स्विफ्ट कोड की जरूरत पड़ती ही रहती है। दोस्तों कैसे आप अपने बैंक अकाउंट का स्विफ्ट कोड पता कर सकते हो घर बैठे, ये मैं आपको आज वीडियो में बताने वाला हूँ। क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा कि अगर आपका यूट्यूब पर चैनल है और दोस्तों आप उसमें पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है, आप उसमें पेमेंट के लिए अपना बैंक अकाउंट ऐड करते हो, तो दोस्तों उसमें आपको स्विफ्ट कोड की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि दोस्तों बिना स्विफ्ट कोड डाले आपके अकाउंट में कोई भी पेमेंट नहीं आएगा। क्योंकि दोस्तों जब आप स्विफ्ट कोड ही नहीं डालोगे तो आपका दोस्तों पेमेंट है ऑनलाइन नहीं आ पाएगा अपने आपके अकाउंट में। तो कैसे आप दोस्तों अपने स्विफ्ट कोड को पता कर सकते हो, जो मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा बिल्कुल सरल तरीके से, जिससे दोस्तों आप किसी भी ऑप्शन में अपना स्विफ्ट कोड डाल सको और अपना जो ऑनलाइन पेमेंट होता है उसे अपने बैंक अकाउंट में मंगा सको। तो दोस्तों वीडियो शुरू करूँ उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबा दें, जिससे मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। दोस्तों मैंने अपने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, जब आप उस पर क्लिक करते हो तो दोस्तों आप इस पेज पर पहुंच जाओगे। जैसे कि दोस्तों आप मेरे मोबाइल में देख सकते हो, आपको कुछ नहीं करना, आपको डायरेक्ट उस लिंक पर क्लिक करना है। जब आप उस पर क्लिक करोगे तो आप इस पेज पर आ जाओगे। यहाँ आने के बाद दोस्तों आपको नीचे जाना है। यहाँ दोस्तों देखिए सबसे पहले जो ऑप्शन आ रहे हैं 3-4, आपको पहले वाले पर क्लिक करना है। यहाँ आने के बाद दोस्तों आपको सबसे पहले अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है, आप किस कंट्री से हो। दोस्तों हम इंडिया से हैं तो मैं यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। इंडिया सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपके सामने दूसरा ऑप्शन आएगा, आपको इस पर करना है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको अपना बैंक सेलेक्ट करना है कि दोस्तों आपकी बैंक कौन सी है, तो आपकी जौन सी बैंक है वही दोस्तों आपको सेलेक्ट करनी है। तो दोस्तों मेरी है SBI बैंक, तो दोस्तों मैं तो सेलेक्ट करता हूँ, क्योंकि दोस्तों SBI बैंक जो होती है दोस्तों काफ़ी अच्छी होती है। उसमें दोस्तों आपको हर तरह की फैसिलिटी देखने को मिलती है और ऊपर से दोस्तों ये एक सरकारी बैंक है। तो दोस्तों मैं यहाँ से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब दोस्तों हमारा तीसरा ऑप्शन ओपन हो चुका है, तो आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ से दोस्तों आपको अपना जो दोस्तों सिटी है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों जो भी आपकी सिटी है वो आपको सेलेक्ट करनी है। तो दोस्तों मैं आगरा से हूँ तो मेरे ऊपर ही ऑप्शन आ रहा है, तो मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है चौथा, आपको इस पर क्लिक करना है। तो दोस्तों देखिए जैसे ही आप दोस्तों इस पर क्लिक करते हो तो आपके सामने दोस्तों आपकी SBI जो बैंक है उसका जो स्विफ्ट कोड है वो ऑटोमेटिकली दोस्तों यहाँ पर शो होने लगेगा। क्योंकि दोस्तों ऐसा नहीं है कि आपका आगरा, ऐसे में आगरा से हूँ तो दोस्तों आगरा में SBI कई सारी ब्रांच हैं, तो जिस ब्रांच में दोस्तों आपका अकाउंट है तो ऐसा नहीं है कि आपको उसी का स्विफ्ट कोड पता करना है। क्योंकि स्विफ्ट कोड दोस्तों क्या होते हैं, एक ही होते हैं, एक ही बैंक है। क्योंकि दोस्तों स्विफ्ट कोड होता है वो होता है मेन ब्रांच का। जैसे दोस्तों आगरा में SBI की मेन ब्रांच जौन सी है उसी का स्विफ्ट कोड होता है, और दोस्तों जो अलग से ब्रांच ओपन होती हैं छोटी छोटी उनके स्विफ्ट कोड नहीं होते। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि आपका जो खाता है वो किसी अलग ब्रांच से है और स्विफ्ट कोड दोस्तों आपको दूसरी वाली ब्रांच का मिल रहा है, तो ऐसा नहीं है। स्विफ्ट कोड दोस्तों एक ही बैंक का होता है, एक अगर आगरा में कई ब्रांच हैं तो आपका स्विफ्ट कोड कोई सा भी हो वो दोस्तों आपकी ब्रांच में आपके दोस्तों खाते में काम कर जाएगा। तो दोस्तों आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि आपका जैसे आगरा में कई सारे ब्रांच हैं तो आपके अलग ब्रांच का स्विफ्ट कोड नहीं है, बट दोस्तों जो शो हो रहा है वो किसी और ब्रांच का है, तो आपको इसमें डरने की जरूरत नहीं है। क्योंकि दोस्तों जो ऑनलाइन पेमेंट आता है वो हमारा जो सिटी का परमानेंट जो दोस्तों बड़ी बैंक होती है उसका स्विफ्ट कोड मांगता है। दोस्तों आपको ये स्विफ्ट कोड यहाँ पर शो हो रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर दोस्तों देखिए ये स्विफ्ट कोड पर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर दोस्तों देखिए दिखा रहा है बैंक ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये स्विफ्ट कोड है कंट्री इंडिया, और दोस्तों ब्रांच दिखा रहा है SBI ब्रांच CP टोला। तो दोस्तों अब दोस्तों आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसमें दोस्तों एड्रेस दिखा रहा है CP टोला का, यानी दोस्तों CP टोला आगरा के अंदर एक क्षेत्र है, उस बैंक का जो स्विफ्ट कोड है। और दोस्तों आपका जो स्विफ्ट अकाउंट है वो आगरा के अंदर किसी और ब्रांच में है, जैसे ताजगंज में है कहीं पर, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको यही वाला स्विफ्ट कोड डाल देना है कॉपी करके यहाँ से अपने उस अकाउंट में, जिससे दोस्तों क्या होगा कि आपका जो इंटरनेशनल पेमेंट है वो इस बैंक में आएगा और ये बैंक आपके ब्रांच में आपके अकाउंट पर ट्रांसफ़र कर देगी। तो ऐसा ही होता है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आपको अपने ब्रांच वाला स्विफ्ट कोड डालना है, ऐसा कुछ नहीं होता जी। या दोस्तों SBI का मेन स्विफ्ट कोड है, आपको यही डालना है। तो इस तरीके दोस्तों आप किसी भी सिटी का, किसी भी दोस्तों
कंट्री का स्विफ्ट कोड पता कर सकते हो। आपको जो मैंने ऑप्शन दिखाए हैं आपको सेम उसी में अपना जो एड्रेस डालना है, यानी दोस्तों आप इंडिया से इंडिया डालना है, आपकी जो बैंक है वो बैंक डालनी है, और आप दोस्तों जिस शहर से हो वो शहर डालना है। ऑटोमेटिक दोस्तों यहाँ पे स्विफ्ट कोड शो होने लगेगा। और दोस्तों अगर आपके यहाँ पर दो स्विफ्ट कोड शो होते हैं, यानी दोस्तों आपके बैंक के दो स्विफ्ट कोड अलग अलग, तो आप कोई सा भी डाल सकते हो, आपको दिक्कत की कोई बात नहीं है, आप कोई सा भी यहाँ पर डाल सकते हो। मेरे में एक ही आ रहा है तो मैंने एक ही सिलेक्ट कर लिया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा कि आप किसी भी बैंक का स्विफ्ट कोड कैसे पता कर सकते हो और कैसे उसे अपने बैंक अकाउंट में ऐड कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए हमेशा लेके आता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।